हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशंस ऑफ क्विज और स्टोशियोमेट्री। स्टार्टिंग विद फर्स्ट क्वेश्चन, वैसे देखा होगा कि क्वेश्चन बहुत इजी है, तो अगर पहला क्वेश्चन देखें, जैसे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड ग्राम मोल्स इन 93 ग्राम्स ऑफ फॉस्फोरस आर रेस्पेक्टिवली। तो देखो, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, आई थिंक सबको क्लियर है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का मतलब क्या हो जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो इस केस में क्या हो जाएगा, सिंपल, गिवन मास अपॉन मोलर मास, मतलब हम ग्राम एटम्स में क्या लेते हैं, एक एटम का मोलर मास लेते हैं। तो यहाँ आंसर सीधा डायरेक्टली आ गया 3, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। अब नेक्स्ट पार्ट अगर देखें, इसमें क्या पूछा है, इसमें नंबर ऑफ ग्राम मोल्स, नंबर ऑफ ग्राम मोल्स में हम क्या लेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ P4। क्लियर? तो यहाँ पर हम किसके मोल्स ले रहे हैं, प्रॉपर P4। यहाँ हम देखेंगे क्या आ जाएगा, मास कितना दिया हुआ है 93, और मोलर मास किसका, फॉस्फोरस का, तो क्या आ जाएगा 4 × 31। आई होप इट इज क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 93/124। क्लियर? और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.75। तो कैलकुलेशन इस पार्ट में कुछ, एक मिनट होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल था। क्लियर? तो नंबर ऑफ ग्राम एटम एंड ग्राम मोल, बेसिक स्टोशियोमेट्री। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर और सबका ठीक हो गया होगा। क्लियर? ग्राम एटम में एक एटम का रखेंगे एटॉमिक मास, और ग्राम मोल में हम पूरा मोलर मास लेंगे P4। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन क्वेश्चन था और सिंपल था। बॉटल कंटेन 1500 ml ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? एक बॉटल है, मतलब एक हम देख सकते हैं 1500 ml का सॉल्यूशन है। टू स्टूडेंट्स टू टू डिफरेंट सैंपल, एक सैंपल लिया एक बच्चे ने, और इसी टाइप से एक और सैंपल लिया दूसरे स्टूडेंट ने। क्लियर? क्या था ये, क्या था हमारा 100 ml का, और ये सैंपल था हमारा 400 ml का। मतलब इसमें कोई वाटर ऐड नहीं किया, इट इज जस्ट अ केस ऑफ सैंपलिंग। क्लियर? क्वेश्चन में गिवन है टू डिफरेंट सैंपल साइज, मतलब सैंपल सैंपलिंग का केस। अब स्टूडेंट वन ने 100 ml लिया, स्टूडेंट टू ने 400 ml लिया, तो अब देखते हैं इसमें क्या होगा। फर्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन स्टूडेंट ए सैंपल इज लेसर देन दैट ऑफ स्टूडेंट बी सैंपल। तो ये तो गलत हो गया। याद होगा सैंपलिंग में कंसेंट्रेशन रिमेन सेम, क्या होता है सैंपलिंग में कंसेंट्रेशन सेम रहती है, बस नंबर ऑफ मिलीमोल्स या ग्राम इक्विवेलेंट चेंज होते हैं। क्लियर? एक सिंपल सा एग्जांपल, हम एक बड़ी बॉटल में कोल्ड ड्रिंक है या कोई जूस है, अगर हम उसके सैंपल ले लें छोटी छोटे छोटे ग्लासेस में, तो कंसेंट्रेशन सेम रहेगी। क्लियर? समझ आ गया? तो पहला पार्ट, मोलैरिटी तो सेम ही रहेगी दोनों में। नेक्स्ट, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन इन बोथ सैंपल आर सेम, अभी डिस्कस हुआ था, स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, स्टूडेंट ए कलेक्ट्स लेसर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देन सॉल्यूशन बी, अगेन करेक्ट। क्लियर? नंबर ऑफ मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट डिपेंड्स ऑन सैंपल साइज। मतलब क्या हुआ, अगर हमने सैंपल कम लिया हुआ है तो इसका मतलब उसमें मोल्स कम होंगे, अगर हमने सैंपल ज्यादा ले लिया तो उसमें मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्लियर? तो सेकेंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्या था, बस अपने क्या ध्यान रखना है कि सैंपलिंग में नंबर ऑफ मोल्स चेंज होते हैं बट कंसेंट्रेशन रिमेन सेम। डाइल्यूशन में उल्टा होता था, डाइल्यूशन में कंसेंट्रेशन चेंज हो जाती है। क्लियर? तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन इज डी। तो इसमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना था, जस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत इजी था। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। अगेन बहुत डायरेक्ट मॉड्यूल का क्वेश्चन है, इनफैक्ट देखोगे तो क्या दिया हुआ है यहाँ पर, इफ आ सॉल्यूशन इज लेबल्ड एज y% W/V, इसका मतलब क्या हुआ। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, क्या है, क्या आ जाएगा, y ग्राम सॉल्यूट
इन 100 ml सॉल्यूशन, ये सबको पता है। डेंसिटी किस क्या दी हुई है हमें सॉल्यूशन की, डेंसिटी इज डी ग्राम पर ml, क्लियर। आगे क्या दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलैलिटी। अब देखते हैं मोलैलिटी होता क्या है, क्लियर होगा। इट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, क्लियर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट देखेंगे क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो क्या आ जाएगा वाई अपॉन एम, एम इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन है, क्लियर। इनटू नीचे क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्लियर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इट इज नॉट मोलर मास, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, देखो सॉल्यूट का मास कितना है, सॉल्यूट का मास है वाई ग्राम, सॉल्यूशन का मास कितना है हम बोल सकते हैं 100 डी, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन का मास क्या हो गया 100 डी, तो हम सॉल्वेंट का मास क्या लिख देंगे 100 डी माइनस 5, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, और ये ग्राम्स में होगा तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई, क्लियर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, वाई परसेंट डब्ल्यू बाई बी का मतलब क्या हो गया, वाई ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन, क्लियर। डेंसिटी हमें क्या दी हुई है डी ग्राम पर ml, तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया था कि मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, सबको क्लियर है, इट इज 100 डी, क्लियर। अब जैसे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चला, सॉल्यूट का मास पता है, तो सॉल्वेंट का मास पता चल गया, दैट इज 100 डी माइनस y, किलोग्राम में किया तो 1000 से डिवाइड कर दिया, सिंपल हमारी मोलैलिटी आ गई, आंसर क्या हो गया, आंसर आ गया बी, क्लियर। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इनफैक्ट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, अगर देखोगे इन चैप्टर एक्सरसाइज में दिया होगा, क्लियर। तो आई थिंक सबको हो गया होगा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास, तो देखो बिल्कुल बेसिक स्टोइकोमेट्री आ गया। फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, देखो सिंपल, यहाँ पर इनफैक्ट हमें मोलर मास भी दिए हुए हैं सबके, एटॉमिक मास दिए हुए हैं, तो अगर हम देखें मोलर मास क्लोरीन का क्या होता है, किसी को दिक्कत नहीं होगी, सब बोलेंगे 71 ग्राम, एक एटम का 35.5 है, Cl2 का क्या हो जाएगा 71 ग्राम, क्लियर। मोलर मास ऑफ क्लोरीन इज 71 ग्राम, मोलर मास का मतलब क्या होता है, एक मोल Cl2 पार्टिकल्स का मास कितना है 71 ग्राम, एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, यूनिटरी मेथड 71 अब डिवाइडेड बाय एन ए पार्टिकल्स, क्लियर। तो क्या आ गया, ये बोल सकते हो 71 अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बी इज वन एटम ऑफ फॉस्फोरस, अब तो सेम आ गया, हम इसमें क्या करेंगे, एक एटम का बोल रहे हैं तो हम फिर से सेम ऐसे ही करेंगे, हमें मोलर मास पता है, मोलर मास ऑफ फॉस्फोरस है क्वेश्चन में गिवन है 31, तो वन एटम ऑफ फॉस्फोरस, क्लियर, इसका मास क्या हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाय एन, अगेन इट विल बी 31 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, क्लियर। इतना दिख गया, फर्स्ट का मास सेकंड से ज्यादा है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, थर्ड इज वन मोल ऑफ CO2, ये तो सीधा ही देख सकते हो, थर्ड का तो क्या हो जाएगा 44 ग्राम, एक मोल CO2 का मास मोलर मास, क्लियर। एंड कॉपर का तो मास डायरेक्ट दिया हुआ है, सी कितना आ गया हमारा 44 ग्राम, और डी हमें डायरेक्ट मास दिया हुआ है, डेट इज 10 टू द पावर -10 ग्राम, तो डायरेक्टली देख सकते हो सबसे ज्यादा क्या हो गया 3, तो हम देखेंगे बी या सी में से कोई ठीक होगा, मैक्सिमम किसका आ रहा है 3। थर्ड के बाद क्या आएगा, फोर्थ 10 की पावर -10, क्योंकि ये दोनों तो 10 की पावर -23 के आसपास है, क्लियर। तो इसके आगे चलेंगे हम, इन दोनों में
फर्स्ट और सेकंड में तो कंपैरिजन पहले ही हो चुका है, फर्स्ट और सेकंड में ज्यादा किसका आएगा, फर्स्ट एंड देन क्या आएगा सेकंड, यहाँ क्लियर। तो क्वेश्चन सिंपल था, आई थिंक हो गया होगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ में तो कुछ सोचना ही नहीं था। थर्ड में मोलर मास आ गया 44 और फोर्थ केस में मास डायरेक्ट दिया होगा, इसमें कुछ करना ही नहीं था। क्लियर, तो आंसर सीधा दिख रहा है, या तो बी होगा और इट इज सी। तो आई थिंक आंसर क्या आ गया, आंसर इज सी। क्लियर, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन। सर्टेन अमाउंट ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट मास फ्रैक्शन, क्लियर, डब्ल्यू बाय डब्ल्यू जो करते थे मास फ्रैक्शन, सॉरी यहाँ पर गलती हो गई, मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2। NaOH का मास फ्रैक्शन दिया हुआ है 0.2। अब देखो ये मोल फ्रैक्शन नहीं है, इट इज मास फ्रैक्शन। मास फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ NaOH प्लस मास ऑफ वाटर इज 0.2। किसी को दिक्कत नहीं आएगी, क्लियर। आगे अगर हम देखें इसमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ NaOH क्या हो जाएगा, इसको अगर ओपन करें, प्लस 0.2 मास ऑफ वाटर, मैथ्स लग रही है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0.2 ग्राम ऑफ NaOH इज 0.2 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमें एक रेशो पता चल गई कि मास ऑफ NaOH अपॉन मास ऑफ वाटर क्या आ जाएगा, 1/4। क्लियर, अब ये आगे काम आएगी। आगे देखते हैं क्या पूछा है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, अब समझ आ गया मोलैलिटी क्या होता है, मास ऑफ NaOH अपॉन मोलर मास ऑफ NaOH, क्लियर, इनटू मास ऑफ वाटर इन के, और अगर ग्राम्स में ले रहे हैं तो हमारा ये होता है। आई थिंक इट इज क्लियर। तो मास ऑफ NaOH कितना दिया हुआ है, इसकी तो रेशियो ही दी हुई है 1/4, क्लियर, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH, दैट इज 40। ये कितना आ गया, 100/16, तो आ जाएगा हमारा आंसर 6.2। देखो यहाँ जो मिस्टेक हो सकती थी, यहाँ जो गड़बड़ हो सकती थी, वो क्या मिस्टेक हो सकती थी कि हम यहाँ पर लेटेड भी हमने मूल फ्रैक्शन ले लिया, तो थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सर्टेन मास ऑफ NaOH इज डिजॉल्व इन वाटर सच दैट मास फ्रैक्शन ऑफ NaOH इज 0.2। सीधा अगर दिया हुआ मास फ्रैक्शन डायरेक्टली लिखो, मास फ्रैक्शन का मतलब क्या है, मास ऑफ NaOH अपॉन टोटल मास, क्लियर, उसके बाद डायरेक्ट आई थिंक सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देयर आर टू आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, ये तो इधर एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन आ गया, द हैवियर वन हैज Z+1 एंड लाइटर वन हैज Z-2। तो इस केस में क्या करते थे, याद होगा हम एक को x परसेंट मान लेते हैं, कि लेट परसेंटेज ऑफ Z-2 बी x, लाइटर की पूछ रहे तो हमने उसको x मान लिया, तो Z+1 का क्या हो जाएगा, 100-x। अब आगे अगर देखें तो क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 इंटू Z-2 प्लस 100-x अपॉन 100 इंटू Z+1, और ये कितना दिया हुआ है, हमें एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है Z, तो बस सॉल्व करना था, क्या आ जाएगा, 100Z इज इक्वल टू Xz-2x प्लस 100Z+100-XZ-X। तो इसको सॉल्व करोगे, XZ से XZ कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा, 100 इज इक्वल टू 3X। तो X कितना आ जाएगा, 100/3, अब इतना तो कर ही दिया होगा सबने, कैलकुलेशन तो है ही नहीं लास्ट में, क्लियर। तो ये भी क्वेश्चन इनफैक्ट बहुत जल्दी हो गया होगा, डायरेक्ट मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है ये भी, जो हम एवरेज एटॉमिक मास करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, क्लियर, आई थिंक सबका हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट
simplest empirical formula of a compound containing 60% of element A. A कितना दिया हुआ है 60% और B कितना दिया हुआ है 40%. तो देखो जहां परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे हम क्या करेंगे, हम क्या एज्यूम कर लेंगे, लेट टोटल मास बी 100 ग्राम. अब सिंपल हो जाएगा, जैसे हमने बोला टोटल मास 100 ग्राम है, हमारा क्या हो जाएगा, ए कितना हो गया 60 ग्राम, किसी को दिक्कत नहीं है, और बी कितना हो जाएगा, बी हमारा हो जाएगा 40 ग्राम. अब हमें मास पता है, मोलर मास पता है, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया. क्लियर, ए 60 ग्राम और ए का मोलर मास एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 10 ग्राम और बी का एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 20. तो हमें मोल्स ऑफ ए पता चल जाएंगे, मोल्स ऑफ ए 6 एंड मोल्स ऑफ बी 2 गिवन मास है मोलर मास. अब अगर हम देखें क्या बनेगा ये ए 6 बी 2. क्लियर, उसने एम्पेरिकल फॉर्मूला पूछा है तो इसको और सिंपलेस्ट रेशियो कर दो, क्या आ जाएगा ए 3 बी. क्लियर, आंसर क्या हो गया इसका, सिंपल था ये तो बहुत. आगे देखिए 8 क्वेश्चन, अगेन कंसंट्रेशन टर्म्स क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.25. अब देखो मोलर मास भी दिया हुआ है तो क्वेश्चन सिंपल हो गया और कैलकुलेशन कम हो गई तुम्हारे लिए. तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है इतना, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल के मोल्स कितने हो गए 0.25 और वाटर के मोल्स हो गए 0.75. क्लियर, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.25, समझ आया, मोल्स ऑफ इथेनॉल 0.25. तो अब इसका मतलब क्या हो गया, अगर हम मास ऑफ इथेनॉल देखें वो क्या हो जाएगा, बोल सकते हो 1/4 × 46, इसको 1/4 बोल सकते हो. तो मास क्या हो जाएगा 1/4 × 46 क्योंकि मोलर मास है 40, तो ये क्या आ जाएगा ऑलमोस्ट 11.5. सिमिलरली मोल्स ऑफ वाटर इज 0.75, तो ये क्या आ गया एक टाइप से 3/4. तो मास क्या हो जाएगा वाटर का 3/4 × 18. ठीक है, ये क्या आ गया 13.5 ग्राम. दोनों का मास पता चल गया. अब टोटल अगर हम मास देखें टोटल क्या हो जाएगा 11.5 + 13.5 दैट इज 25 ग्राम. क्लियर, अब क्या पूछा है, डज इट हैज 25% इथेनॉल बाय वेट, 75% इथेनॉल बाय वेट, 75% वाटर बाय वेट. तो देखते हैं परसेंटेज इथेनॉल क्या हो जाएगा, सिंपल है, कितना मास आया था इथेनॉल का 11.5, टोटल मास कितना है 25 × 100. और ये भी कैलकुलेशन सिंपल है, ये तो सीधा ही कट गया. तो क्या आ गया 11.5 × 4, डायरेक्टली दिख रहा है कितना आ जाएगा 46%. क्लियर, अब इथेनॉल 46% है, वाटर को माइनस करके आ जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. तो इसमें भी कैलकुलेशन नहीं थी एंड सिंपली आंसर आ गया, 8 का आंसर क्या हो गया सी. क्लियर, अब नेक्स्ट देखते हैं 9. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू बी एडेड टू डेसीनॉर्मल SQ2 टू प्रिपेयर 200 ml ऑफ 0.005 मोलर SQ2. तो क्वेश्चन सिंपल है, डाइल्यूशन का ही कंसेप्ट लग रहा है. तो देखते हैं याद होगा क्या पूछ रहा है, कि हम H2SO4 में कौन सा H2SO4, डेसीनॉर्मल, डेसीनॉर्मल अगर याद हो इट इज 0.1 नॉर्मल, इसमें कितना वाटर ऐड करें. क्लियर, कितना वाटर ऐड करें, ये जो फाइनल कंसंट्रेशन है H2SO4 की, ये हमारी आ जाए 0.005 मोलर एंड 200 ml. लेट्स सी कैसे करोगे. याद होगा इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन में मिली इक्विवेलेंट सेम रहेंगे,
तो क्या हो जाएगा, बोल सकते हैं एन वन वी वन इज इक्वल टू एन टू वी टू। पहले भी बताया था डाइल्यूशन में कंसेंट्रेशन चेंज होती है बट नंबर ऑफ एम ई क्यू रिमेन सेम। एन वन क्या है 0.1, वी वन हमें नहीं पता कि एक्सप्रेस ऑफ का वॉल्यूम कितना था, एन टू क्या है 0.005 इंटू टू, ध्यान रखना है मोलैरिटी की बने, और इंटू वॉल्यूम कितना है 200 एम। इसको सॉल्व करोगे तो वी वन कितना आ जाएगा हमारा, वी वन आ जाएगा 20 एम। क्लियर, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वी वन 20 एम एल था, फाइनल वॉल्यूम 200 एम एल है, तो व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, इट इज 200 माइनस 20 दैट इज 180 एम एल। क्लियर, तो नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ध्यान रखना वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछ रहा है वो, इनिशियली वॉल्यूम नहीं पूछता कि H2SO4 का कितना था। क्लियर, अब आगे देखते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन था ये तो बहुत डाइल्यूशन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10। 6.9 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर कंटेन्स 23% बाय मास, कैलकुलेट डेंसिटी। अरे ये क्वेश्चन तो आई थिंक सबका हो गया होगा, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, सिंपल फॉर्मूला लग रहा है। क्लियर, मोलैरिटी इज 10xd अपॉन एम नॉट। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, मोलैरिटी गिवन है 6.9, एक्स क्या था परसेंटेज दैट इज 23, डेंसिटी कैलकुलेट करनी है एंड मोलर मास इज गिवन 56। क्लियर, तो डेंसिटी 6.9 सॉल्व करी थी आपको, समझ आ गया, कैलकुलेशन नहीं है, 23 इंटू 3 सीधा दिख रहे हैं 69। क्लियर, तो आंसर सॉल्व कर लेना, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्लियर, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 इन वन मोलर सॉल्यूशन। फिर से इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया, इंटर कन्वर्जन का क्वेश्चन में कैसे करते थे देखो, वन मोलल का मतलब क्या है, डेफिनेशन ओपन करो एक बार, वन मोल सॉल्यूट इन वन केजी सॉल्वेंट, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, मोल फ्रैक्शन पूछा है, क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 अपॉन मोल्स ऑफ H2SO4 प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2SO4 वन, H2SO4 के मोल्स वन दिए हैं और वाटर के मोल्स 1000 ग्राम, मोलर मास ऑफ वाटर इज 18। तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन वन प्लस 55.5 दैट इज बी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर, कैलकुलेशन कुछ थी नहीं, आई थिंक मैक्सिमम एक मिनट में बहुत लोगों ने कर दिया होगा। क्लियर, मेन बस डेफिनेशन ध्यान रखो, वन मोलल, नहीं तो फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो जाएगा, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। क्लियर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, क्या दिया है, मिक्सचर ऑफ एसिड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या दिया हुआ है, 50 ml 0.1 मोलर H3PO3 प्लस 200 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 एंड 100 ml 0.2 मोलर HCl, ये मिक्सचर दिया हुआ है। क्लियर, तो हम देखें क्या पूछा है, नॉर्मेलिटी विद रिस्पेक्ट टू H+। ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू H+, क्या देखोगे, H3PO3 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H+, फर्स्ट केस में 50 × 0.1 मोलैरिटी गिवन है, तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, याद करो H3PO3 का n फैक्टर इट इज 2,
H3PO3 का n फैक्टर इज 2, यहां पर मिस्टेक हो सकती है. नियर H3PO4 का n फैक्टर वाज 3, H3PO3 का n फैक्टर इज 2 एंड यहां दो का H3PO2 का n फैक्टर क्या होता है 1 प्लस 200 इनटू 0.1, यहां 2 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि नॉर्मलिटी गिवन है, प्लस 100 इनटू 0.2. ये आ गया टोटल एमिक्यू अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 350. क्लियर? ये क्या आ जाएगा 10 प्लस 20 प्लस 20, कोई कैलकुलेशन ही नहीं है क्वेश्चन में, मतलब देख के भी लग रहा है क्या क्वेश्चन है. 1/7 नॉर्मल पहला ही ऑप्शन है. क्लियर? ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस कहाँ एरर हो सकती है ध्यान रखना, n फैक्टर ध्यान रखना, H3PO3 का n फैक्टर क्या होता है. क्लियर? एंड क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक्टिव रहना कि मोलैरिटी की बने नॉर्मेलिटी की बने, क्योंकि बहुत एरर हो जाती है. हमने पहला मोलैरिटी देखा और सोच रहे आगे भी मोलैरिटी की बने, ध्यान रखना कहाँ मोलैरिटी की बने कहाँ नॉर्मेलिटी की बने. क्लियर? बाकी ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो बस एग्जाम में एक्टिव रहना है. एक्टिव नहीं रहोगे तो ऐसी एरर्स वी कैन डू सच टाइप ऑफ एरर. तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन अच्छा था. क्या दिया देखो, ऑल्दो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, AgNO3 प्लस KI गिव AgI प्लस KNO3 और AgI क्या हो रहा है पैसिव. AgNO3 कितना दिया हुआ है 20 ml 0.2 मोलर, मतलब इसके कितने मिलीमोल्स हो गए, बोल सकते हैं 4. KI कितना गिवन है 30 ml एंड 0.4 मोलर, इसके कितने मिलीमोल्स हो गए हमारे 12. तो अब देखो जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट गिवन हो वहां हमारा कंसेप्ट आ जाता है लिमिटिंग रिएजेंट का, कि हमें पहले चेक करना है कि वेदर देयर इज लिमिटिंग रिएजेंट और नॉट. क्लियर? तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, टू चेक लिमिटिंग रिएजेंट. देखो यहां से सीधा दिख रहा है दोनों की रेशो 1:1 है, स्टोइकोमेट्रिक रेशो. तो अगर इसके 4 मोल हैं, इसके 4 मोल यूज होंगे, हमें सीधा दिख रहा है लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पर क्या दिया हुआ है AgNO3, मतलब AgNO3 पूरा कंज्यूम हो जाएगा. तो जैसे ही AgNO3 कंज्यूम होगा ये हमारा कितना रह जाएगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन 8 एंड 4. ये तो सिंपल है. आगे क्या पूछा है, कंसेंट्रेशन ऑफ Ag+. तो अब देखो Ag+ AgNO3 में तो बचा ही, Ag+ कहाँ रह गया हमारा बस सॉल्यूशन में, अगर देखोगे Ag+ बस AgI में रह गया. क्लियर? तो अब इस केस में क्या होगा, सबसे बड़ी मिस्टेक क्या हो सकती है, तुम क्या करो कि 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम, बट ध्यान रखना ये जो हमारा पार्ट है ये पूरा का पूरा प्रेसिपिटेट हो चुका है. क्लियर? इट इज नॉट इन सॉल्यूशन, तो इसलिए हम AgI के आने वाले Ag+ की जो कंसंट्रेशन होगी हम कंसिडर ही नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा AgIn प्रेसिपिटेट हो गया है, तो सॉल्यूशन में नहीं है प्रेजेंट. क्लियर? इट इज एब्सेंट इन सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ इज 0. इस क्वेश्चन में समझ आ गया होगा कि क्या मिस्टेक हो सकती है. क्लियर? अगर कोई सॉल्यूशन, कोई आयन प्रेसिपिटेट हो चुका है, इसका मतलब इट इज नॉट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, इसलिए उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ विल बी 0. आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी. क्लियर? तो क्वेश्चन अच्छा था. इस क्वेश्चन की मिस्टेक ध्यान रखना, बस कहां मिस्टेक हो गया. आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन. कैलकुलेशन देखोगे, कैलकुलेशन नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस कंसेप्ट लग रहा था. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है AgNO3 इज हीटेड स्ट्रॉन्गली और ये रिएक्शन मॉड्यूल में गिवन है, इट गिव्स Ag प्लस NO2 प्लस O2. बैलेंस कर ले एक बार देखने थे, बैलेंसिंग ठीक है. AgNO3 इट गिव्स Ag प्लस NO2 प्लस O2. क्लियर? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ गैसेस कलेक्टेड एट STP. तो सबसे पहले अगर हम देखें गैसेस कौन कौन सी है, तो गैसेस क्या क्या है हमारी, एक तो NO2 है और एक O2 है. तो इनली हमें इसके मोल्स देखने हैं. क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट.
सबसे पहले मोल्स ऑफ AgNO3 देखें तो क्या हो जाएगा, 68/170, और ये क्या आ जाएगा, क्लियर, 0.,, ये कैलकुलेशन सिंपल है, क्या आ जाएगा इधर 0.4 मोल, और पूरा कंज्यूम हो गया तो इसको क्या बन जाएगा, सिल्वर विल फॉर्म 0.4 और O2 कितना बनेगा, 0.2 मोल। तो टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे गैसेस के, दे विल बी 0.4 + 0.2, दैट इज 0.6, क्लियर। अब वॉल्यूम एट SKP याद होगा, इट इज 22.4 × n, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, बस इस क्वेश्चन में क्या देखना था, एक तो रिएक्शन एंड सेकंड बैलेंसिंग, बाकी ये सबको याद है कि वॉल्यूम कैसा निकालते हैं SKP पर, तो सबको क्लियर है, इट इज 22.4 × n, क्लियर। तो ये क्वेश्चन में सिंपल था, आंसर क्या हो गया इसका, डी। तो देख रहे हो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं, मेनली इट जस्ट रिक्वायर्ड योर कंसेप्चुअल नॉलेज। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, देखो क्या दिया है इसमें, सिक्वेंशियल रिएक्शन देखते ही लग रहा होगा, कैसे दिया हुआ है, NH4NO2 ऑन हीटिंग, पहले एक बार रिएक्शन लिख लेते हैं तीनों। नेक्स्ट क्या दिया है, N2 + Mg, इट गिव्स Mg3N2 एंड Mg3N2 प्लस H2 इट गिव्स MgOH2 प्लस NH3। देखो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जस्ट विजुअलाइज इट, क्या तुम्हें दिख रहा है, रिएक्शन गिवन है, परसेंटेज यील्ड गिवन है, ठीक है, प्रोडक्ट उसने दिया हुआ है कि अमोनिया के कितने मोल्स बन रहे हैं फाइनली 4, और उसने पूछा है कि अमोनियम नाइट्राइट हमने कितना यूज किया होगा, क्लियर। तो देखो सबसे पहला अगर हम देखें, रिएक्शन इज नॉट बैलेंस, पहला काम क्या है, बैलेंस द रिएक्शन, क्या हो जाएगा, पहले हम देखिए N2 + 2H2, क्लियर। नेक्स्ट में N2 + CMG गिव्स Mg3N2 एंड Mg3N2 + H2 क्या आ जाएगा, MgOH2 + NH2, ये सॉरी H2 होगा, MgOH2 + NH2, आई थिंक तुम्हारे पास करेक्ट है ये, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, देखो क्या दिया हुआ है इसमें, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 50% ईज, तो अगर ये एक्स है, क्लियर, तो ये कितना बनेगा, 2x, बट परसेंटेज यील्ड कितनी दी हुई है, 50%। अब एक बार अगर हम देखें इस क्वेश्चन को, NH4NO2 gives N2 + H2, जस्ट विजुअलाइज इट, x आ गया तो ये कितना आ जाएगा, 2x, और N2 कितना बन जाएगा, x, बट परसेंटेज कितनी दी हुई है, 50%, तो 50% का मतलब क्या हो जाएगा, कि आगे N2 यूज हो रहा है तो N2 कितना यूज होगा, x/2, 50% of x, तो आगे हमने देखा N2 कितना आ गया, x/2, क्लियर। नेक्स्ट रिएक्शन परसेंटेज यील्ड कितनी दी हुई है, 25%, तो इसका मतलब अगर ये x/2 है तो Mg3N2 कितना बनेगा, 25/100 × That is x/8, क्लियर। x था 50% यील्ड है तो कितना बनेगा, 50% of x, यहाँ मोल रेशो 1:1 है, ये x/2 है, 25% है, तो यहाँ से इतना समझ आ गया Mg3N2 कितना हो गया, x/8, यहाँ Mg3N2 x/8 है तो अमोनिया कितना बनेगा, क्लियर, 100% है, तो 2 × x/8 परसेंटेज यील्ड 100%, तो ये कितना आ गया, x/4, यहाँ तक समझ आ गया। पहला सबसे पहला काम था बैलेंसिंग, एंड सेकेंड हमें ध्यान रखना था परसेंटेज यील्ड, कि NH4NO2 से N2 1 बनता, x/x बनता, लेकिन परसेंटेज यील्ड 50% है, इसका मतलब कितना बन जाएगा, x/2, फिर से रिपीट कर रही हूँ, आगे x/2 यूज हुआ, Mg3N2 x/2 बनता, क्योंकि 1:1 मोल रेशियो है,
बट परसेंटेज यील्ड इज 25%, तो Mg3N2 कितना बनेगा 25% ऑफ x/2, एंड नाउ Mg3N2 कितना हुआ x/8, और लास्ट में हमें परसेंटेज यील्ड 100% दी हुई है, तो ये कितना बन गया ट्वाइस ऑफ Mg3N2 दैट इज x/2। और ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि अमोनिया कितने बन रहे हैं 4 मोल, तो हम सीधा कर सकते हैं x/4 इज इक्वल टू 4, इट इज गिवन इन क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16, आई होप इट इज क्लियर। तो x कितना आ गया 16, आंसर इज सी। तो कितने अमोनियम नाइट्राइट लिए 16, इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ था, रिएक्टेंट पूछा था, क्लियर। तो क्वेश्चन देखे होंगे स्टार्टिंग में, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ग्राम एटम्स, मोलैरिटी, कंसंट्रेशन टर्म्स, लास्ट में आते आते थोड़ा सा लेवल बढ़ गया, बट ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, क्लियर। इसमें क्या ध्यान रखना था, स्टोइकोमेट्री में जो मेन ध्यान रखना होता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन एंड परसेंटेज। आई होप इट इज क्लियर। तो इट इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।